करेंगे, राजनीतिक विरोध करेंगे। दिल्ली पुलिस ने पहले परमिशन की बात चल रही थी, लेकिन रातों रात अचानक ये आ जाता है कि बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है कि परमिशन नहीं दी जाएगी किसी भी तरह की रैली की। आप अंदाजा लगाइए कि एजेंसियां, पुलिस किस तरह से सरकार के दबाव में है। आखिर आपको सत्याग्रह करने वाले लोगों से तकलीफ क्या है? गांधी जी से भी इसी तरह से अंग्रेज डरा करते थे, जिस तरह आज सरकार कांग्रेस के सिपाहियों से डर रही है। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने वाले कुछ सौ कुछ हजार कार्यकर्ताओं से आपको क्या तकलीफ हो सकती है? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मसला उत्पन्न हो सकता है? लेकिन अंततः गत्वा आप शाम में कह देते हैं कि धारा 144 है। धारा 144 का कितना दुरुपयोग करेंगे आप लोगों की आवाज दबाने के लिए, लोगों की सच्चाई दबाने के लिए? तो आप लगाइए धारा 144, हम धारा 144 आपकी धारा 144 के खिलाफ खड़े हैं। आप हमें ले चलिए, आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तार करिए, लेकिन आप हमारे बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक पाएंगे। चलिए धन्यवाद हमसे वहां में बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आगे बढ़ेंगे और ना ही डरेंगे ना ही झुकेंगे। कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली।